नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कथा सुनते हैं। आज की कथा है बृहस्पतिवार और द्वादशी की कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, जो कि ज्येष्ठ माह की अंतिम बृहस्पतिवार है और साथ में द्वादशी भी। इसलिए हम बृहस्पतिवार की ये कथा सुनते हैं। गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक भी माना जाता है। हरि प्रेमियों, गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, विद्या और धन सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पतिवार की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन कथा और व्रत सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और जो हरि प्रेमी इस उपवास को नहीं रख सकते वो भी श्रद्धा से अगर बृहस्पतिवार की कथा को सुन लेते हैं उन्हें भी वही फल मिलता है जो उपवास रखने वाले को। हरि प्रेमियों, इससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा था। वह बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता था और दीन दुखियों की मदद करके बहुत पुण्य का भागी होता था। परंतु ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो उपवास ही रखती थी और न ही किसी दान पुण्य में भी विश्वास रखती थी। और इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से हर बार हर रोज मना करती थी। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के राजमहल में गया और दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य के काम धंधे से बिल्कुल तंग आ गई हूँ। आप कोई मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं फिर आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बहुत ही विचित्र हो। ऐसा तो कोई नहीं होता। संतान और धन से कोई दुखी हुआ है कोई? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कामों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं के विवाह करवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, विद्यालय खुलवाओ जिसे तुम्हारे दोनों लोग और सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई और उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं है जिसे मैं दान देती रहूं और जिसे संभालने में मेरा सारा दिन बेकार जाए। तब साधु महाराज ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जतन बताता हूं। तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धो लेना और राजा से कहना कि वह हजामत बना ले। भोजन में मांस और मदिरा का प्रयोग करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने दे देना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार तुम अगर ऐसा करती हो तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज जी जो बृहस्पति देव के रूप में थे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
साधु महाराज के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति वार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति खत्म हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मुझे कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसलिए मैं कोई भी छोटा कार्य यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वह राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच कर आता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु राजा के प्रदेश जाते ही रानी और वह दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार की बात है, जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला और भूखे ही पड़ा रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तू मेरे कहने से मेरी बहन के घर चली जा और वहाँ से कुछ ले कर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हमारा हो जाए और भूख मिट सके। दासी रानी की उस बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा को सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दे दिया और कहा कि तुम्हारी बहन ने कुछ न कुछ मंगवाया है और भूख से बहुत व्याकुल है। लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उस दासी को कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हो गई, और दुखी हुई उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। ये सुनकर उस रानी ने अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुनने में मगन थी और उसे कुछ भी नहीं बोली, इसे वह बहुत दुखी हो गई होगी। कथा को सुनकर और पूजा पूरी करने के बाद वह अपनी बहन के घर चली आई और अपनी बहन से बोली, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती पूरी तब तक न तो उठते हैं और ना ही बीच में कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं दासी से कुछ नहीं बोली, बताओ तो सही दासी क्यों आई थी। उसकी बहन बोली, बहन तुमसे मैं क्या छिपाऊं, तुम तो मेरी बहन हो और बहन भाई और बहन से कुछ नहीं छिपाते, हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, हम भूख से तड़प रहे हैं। ऐसा कहते कहते उस रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, देखो तो सही। पहले तो उस रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बहुत ही अन्वय विनय करने पर उसने अपनी दासी को अपने घर के अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक मटका मिल गया। ये देखकर रानी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से बोलने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो किया करते हैं, इसलिए क्यों न हम आज से व्रत और कथा की विधि पूरी पूछ ली जाए और हम भी बृहस्पति देव की व्रत और कथा करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा की पूरी विधि पूछी और रानी की बहन ने सारी कथा और विधि विधान से बता दी। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करनी चाहिए तथा दीपक घी का जलाए, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करे, पीला ही वस्त्र डाले, इसे बृहस्पति देव भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।
व्रत और पूजा की विधि बताकर उस रानी की बहन अपने घर को वापिस आ गई। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने भी व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर चली आई। फिर उसे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दासी और रानी दोनों ही बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा हुआ था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत खुश थे। वह एक साधारण आदमी का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत खुश हुई और फिर रानी के साथ मिलकर शाम को भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को उपवास करती और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन आ गया, संपत्ति आ गई, फिर से टाट बाट हो गए। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। अब फिर दासी बोली, रानी तुम पहले भी इसी प्रकार बहुत ही आलस करती थी और तुम्हें धन रखने में बहुत ही दुख होता था, कष्ट होता था, इस कारण सभी तो तुम्हारा नष्ट हो गया। अब जब फिर से बृहस्पति देव ने आप पर कृपा की है, फिर से धन मिला है, तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। रानी को इस प्रकार समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतें आने के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें कुछ दान और पुण्य भी कर लेना चाहिए, भूखों को भोजन करवा देना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च कर देना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश भी बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी, तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की यह बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा और बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ श्री आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। हरि प्रेमियों, भगवान बृहस्पति देव की ये कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और भगवान बृहस्पति देव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।